हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने आई हूँ किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि इस समय हमारे देश में क्या पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, कैंसर। मैं इस विषय के ऊपर वीडियो बनाने की बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ खींचता था। कैंसर एक अपने आप में ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बात करने के लिए भी सोच करके डर लगता है। कैंसर कई तरह के होते हैं। इसी में से आज एक कैंसर के ऊपर मैं आपको बताऊंगी ऐसे चार लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं कि क्या आपको भी प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम है या नहीं। मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के हेल्थ सेगमेंट में। दोस्तों, कैंसर हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, महिला को, पुरुष को, बच्चों को, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाओं में या पुरुषों में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर सिर्फ पुरुषों में होता है। जो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की हम बात कर रहे हैं, एक तरह का ग्लैंड होता है या ग्रंथि कह सकते हैं। जब इस ग्रंथि में कोशिकाओं का विकास बहुत तेजी से होने लगता है तो प्रोस्टेट कैंसर की समस्या हो जाती है। 50 से 60 साल की उम्र के लोगों को ये खतरा अधिक होता है, इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि 40-45 की उम्र के बाद पुरुषों को अपना प्रोस्टेट का चेकअप नियम रूप से करवाते रहना चाहिए। दोस्तों, मैं जो ये लक्षण आपको बताऊंगी, जरूरी नहीं है कि इस लक्षण से सिर्फ कैंसर ही हो, ये लक्षण कई दफा कई और बीमारियों के लिए भी हो सकते हैं। जो लक्षण मैं आपको बताऊंगी, इसको आप सुन के कभी भी घबराए नहीं, और सबसे बड़ी बात कि आप किसी चीज का वहम ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको ये सिम्टम है या आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे संपर्क करिए, वो कुछ आपके टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। उन टेस्टों के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या तकलीफ है, क्योंकि कई दफा अलग अलग बीमारियों में सिम्टम्स एक जैसे आते हैं, लेकिन बीमारियां अलग अलग होती हैं, और कई दफा कई सारी बीमारियों के लिए सिम्टम एक जैसे आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि जो सिम्टम मैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए बताने जा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो प्रोस्टेट कैंसर ही हो, वो कोई यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेट की कोई गड़बड़ी भी हो सकती है, या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ पुरुषों में होता है और ये पेट के पिछले बिल्कुल निचले हिस्से में होता है। ये अखरोट के आकार का होता है। इसके अंदर जमा होने वाला जो तरल पदार्थ है उसे हम सीमन कहते हैं, जो कि हम सभी को पता है कि सीमन एक महिला के साथ जब संपर्क में आता है, उसके अंडाणु से संपर्क में आता है, तो हम एक बेबी को जन्म देने में मदद करते हैं, मदद मिलती है। लेकिन जब इसी में कोशिकाओं की तेजी से बढ़ोतरी होने लगती है तो ये कई दफा प्रोस्टेट कैंसर की तरफ बढ़ जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के आखिर लक्षण क्या होते हैं? कई दफा प्रोस्टेट कैंसर में देखा गया है कि व्यक्ति को बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ती है, उसे बार बार पेशाब आता है और वो बार बार बाथरूम की तरफ भागता है। लेकिन बाथरूम की यूरिन आने की वजह तो है, लेकिन वहां जाके कई दफा उसको यूरिन ठीक से नहीं आता। दूसरा, कई दफा कई लोगों को देखा गया है कि यूरिन के साथ ब्लड आता है, खून आता है, तो आप जब भी कभी ऐसी कोई चीज देखें तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तीसरा, कई लोगों को यूरिन जाने के समय पर पेशाब बहुत रुक रुक कर आता है और धीरे धीरे आता है, ये भी एक प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण है। इसके अलावा चौथा लक्षण है पीठ में बराबर दर्द रहना। अगर आपके पीठ में हर वक्त दर्द रहता है तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आप पीठ के दर्द का इलाज करा चुके हैं, फिजियोथेरेपी करवा चुके हैं, डॉक्टर को दिखा चुके हैं और आपके पीठ का दर्द नहीं जा रहा, तो आप एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। पीठ का दर्द भी कई दफ़ा प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके के लक्षण सिर्फ कैंसर के ही हों, इस तरीके के लक्षण कई दफ़ा और बीमारियों के लिए भी हो सकते हैं। इसलिए आप प्लीज़ कोई भी वहम ना रखें, कोई शंका ना रखें, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप डॉक्टर को ज़रूर मिले।
और उनसे संपर्क जरूर करें। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? आजकल प्रोस्टेट का अगर पता पहले ही चल जाए, एक्चुअली कैंसर में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो डॉक्टरों को देखने को मिलती है, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर का पता ही बहुत लेट चलता है, क्योंकि जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत देर से सामने आते हैं। ऐसे ही प्रोस्टेट का कैंसर भी दो तरह का होता है, एक तेज़ी से बढ़ने वाला और एक स्लो तरीके से बढ़ने वाला। तेज़ी से बढ़ने वाले कैंसर की पकड़ तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जो कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है उसकी समझने में और पकड़ने में वक्त लगता है, और ये वक्त कई बारी ऐसा होता है कि सेकेंड या थर्ड स्टेज पे कैंसर पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से आप मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाते और आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। कैंसर का ऑपरेशन कराने के बाद आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी तरीके से जी सकते हैं। आजकल लेज़र तरीके से भी प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है, और अगर ऑपरेशन पहले ही स्टेज पे पकड़ा जाए तो मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। इसके अलावा और भी कई कारण देखे गए हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को होने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वजन का होना। मोटापा भी प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से कम उम्र के लोगों को भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट का दूसरा कारण एक हार्मोन्स भी माना गया है। पुरुषों में भी हार्मोन्स जब इनबैलेंस होता है तो कई दफ़ा प्रोस्टेट को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा डॉक्टरों के मुताबिक 50 से 60 साल की उम्र में अधिकतर पुरुषों को ये समस्या होने लगती है। इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले ही अपना रूटीन चेकअप कराना शुरू करें। इसके अलावा अल्कोहल और सिगरेट, इन चीज़ों से दूर रहें। और दोस्तों, एक जो सबसे अहम बात है, आप अनहेल्दी खाना ना खाएं। अनहेल्दी खाने से भी प्रोस्टेट पे फर्क पड़ता है। इसके अलावा आप अगर हो सके तो पूरी कोशिश करिए कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज और योगा ज़रूर करें। प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक योगा और जो लोग रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, इस बीमारी से काफ़ी बचे रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और बेल आइकन को टच करना ना भूलिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।